बड़वानी जिले के ठिकरी में पुलिस ने 3 माह पुराने हत्याकांड का खुलासा किया। थाना प्रभारी विनय आर्य ने बताया कि दिनांक 27 जनवरी 2019 को नहर में एक लाश हाथ बांधे हुए मिली थी, जिसकी जांच की जा रही थी, जिसमें आरोपी मृतक की पत्नी और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना के दिन वह काम पर से घर लौटी थी। मैजिक वाहन से घर पहुंचने पर उसका पति वाहन तक आया और वाहन से उतारकर पैदल हाथ पकड़कर घर ले गया। इस दौरान आरोपी मधुबाई नांदल पुल के पास नहर के ऊपर अपने पति से झगड़ा कर रही थी। प्रकाश और सुरेश ने भी मोटरसाइकिल खड़ी कर मृतक को मधुबाई से झगड़ा व मारपीट करने से रोका तो मृतक ने बोला कि मेरी पत्नी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं तो इसको मारूंगा, तुम बीच में मत आना। पति से परेशान मधुबाई को गुस्सा आ गया और मधुबाई ने एक पत्थर उठाया और नशे में धुत अपने पति के सिर पर मारा, जिससे मृतक जमीन पर गिर गया। प्रकाश ने भी पत्थर मारा व सुरेश के साथ मृतक दरबार के हाथ पीछे से पकड़ लिए और मृतक की पत्नी ने अपने दुपट्टे से दरबार के हाथ बांध दिए और नहर में बहते हुए पानी में फेंक दिया। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिससे वह तैर नहीं सका और पानी गहरा होने के कारण डूब गया। मृतक की पत्नी ने मीडिया को बताया कि वह अपने पति से परेशान थी और रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। घटना के दिन भी पति शराब पीकर उससे झगड़ा कर रहा था। इसी बात से तंग आकर प्रेमी प्रकाश और उसके साथी सुरेश के साथ मिलकर उसे मारा और हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर, हम काम पे से आए थे जी। मेरा पति मिला था, हाँ, वो शराब पीला था, हाँ, और मेरे को मारा और गाड़ी से उतार के ले गया पैदल चल कर। अच्छा। मैं उसके साथ गई और रास्ते में भी मारा था। अच्छा। तो मैंने मर जाऊंगी करके नहर तरफ गए। अच्छा। वो भी मेरे पीछे। अच्छा। और फिर ऊपर चढ़ के झगड़ा हुआ और इन लोगों ने आया। अच्छा। और हमने मार के बांध के फेंक दिया। इंदिरा नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसके दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टया वो एक हत्या का मामला दिखाई दे रहा था, जिससे अपराध क्रमांक 48/2019 कायम करके उसको विवेचना में लिया गया। तत्कालीन TI सिसोदिया द्वारा उस संबंध में विवेचना की गई थी। मेरे थाना प्रभारी पद पर ज्वाइन करने के बाद इस डायरी का मैंने अध्ययन किया और वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उस आधार पर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। तो मृतक की शिनाख्ती दरबार पिता बदिया ग्राम चेतावत का रहने वाला था। ये इसकी पत्नी द्वारा घटना के लगभग 2 माह बाद थाने पर आकर के जब उसके शरीर से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको पहचान करके की गई। इसके पश्चात इसकी विवेचना लगातार की जा रही थी और पत्नी द्वारा मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में नहीं किए जाने से मृतक की पत्नी शंका के घेरे में थी, लेकिन उसके पूछताछ करने पर उसने पहली बार में इस तरह की कोई बात नहीं बताई और ये बताया कि वो ट्रक पे ड्राइवरी करता था और अक्सर 10-15 दिन के लिए चला जाता था, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। लेकिन इस बार 10-15 दिन की बात नहीं थी, लगभग 2 महीने हो रहे थे और 2 महीने में उसको रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन इसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और जब मृतक के माता पिता से चर्चा की गई उसके परिवार से तो पता चला कि मृतक अपनी पत्नी के घर में ही रहता था, क्योंकि पत्नी उसके साथ ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं थी और उनके द्वारा भी महिला के ऊपर शंका जाहिर की गई थी कि इसकी पत्नी द्वारा ही इसको कहीं मरवाया, ऐसा उनके द्वारा भी शंका जाहिर की। इस पूरे केस में हम साक्ष्य एकत्रित करते रहे और जब हमें ये यकीन हो गया कि इसमें मृतक की मृत्यु इसकी पत्नी के किसी न किसी इन्वॉल्वमेंट के कारण ही हुई है, तब हमने मृतक की पत्नी को फिर पूछताछ की और उसको कुछ ऐसे तथ्य बताए जो प्रकरण में उसकी बातों से मैच नहीं खा रहे थे और उसने मजबूर होकर के अपने प्रेमी प्रकाश और प्रकाश के दोस्त सुरेश के साथ, जो ये दोनों ही चितावत के रहने वाले थे, जो इसके साथ साथ में काम करते थे, मजदूरी में जाते थे, और उसके साथ मिलकर नहर नायदड़ के नहर के पुल के ऊपर
पत्थर से उसका सिर कुचल